भाई क्या क्या खाओगे? गुल्ले, चावल और ये तीन तरह की सब्जी। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने जा रहे हैं। उससे पहले एक मेरी मीटिंग है, पर्सनल मीटिंग। पहले वो मीटिंग अटेंड करेंगे, उसके बाद फिर कहीं कुछ होटल वोटल में या बड़े रेस्टोरेंट में खाने चलेंगे। तो व्लॉग बने रहना, बड़ा मज़ा आने वाला है। नए नए लोगों से मिलेंगे आज, तो व्लॉग में बने रहना। चलो चलते हैं। और क्या सीखा आज? काम तो भाई मीटिंग है कि नमकीन मिल के चलो भाई। अंकल से तो मिल लिए, अब चलते हैं मीटिंग में। क्या होगा बताना इससे अगले वाले में। चलो तेजी बनी बुद्ध थोड़ा डाउन कर दे रहे हैं भाई। एकदम चम चार टाउन में बन लो ये ऑफिस है, तो इसका गेट इधर है। चलो चलते अंदर। ओके ओके ओके, ये पानी वानी दे दो। बेड ऑफिस देख लो भाई, कॉर्पोरेट ऑफिस। ये सोचते हो कि कॉर्पोरेट ऑफिस में मज़ा आता है? कॉर्पोरेट ऑफिस में मज़ा नहीं आता। और क्या हाल है भाई? आप तो बड़े दिनों है ये। घर चले गए थे? कहाँ? गाँव गए थे? बीच में कोई और लड़का आया हुआ था? हाँ, तो तीसरी बार फिर आया हूँ मैं। तीसरी बार? पहले तो जब आते ही था। हाँ, तो अब मैं तुम्हारे आने तुम्हारे गए हुए गए ना, तीसरी बार आ गया जब से तुम गए हो। मैं उस लड़के से पूछा था मैंने कि वो भाई था यार, तो कह रहे वो तो चला गया। अच्छा अच्छा, और विजयनगर ही रह रहे हो? चलो बढ़िया। और कॉफ़ी वॉफ़ी बन जाएगी? एक छोटी सी कॉफ़ी बना दे भाई। तो भाई ये ऑफिस बॉय है, बड़े बंदा विजयनगर का था लड़का। और भाई कॉर्पोरेट ये बात हो रही थी भाई, कॉर्पोरेट ऑफिस में लगता ही है कोई ऑफिस जाना चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए भाई। ऑफिस वहीं तक ही अच्छा लगता, जहाँ तक स्कूल टाइम में तुम ऑफिस ऑफिस सोचते हो। ऑफिस ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी की जंग है सारी स्कूल के बाद। जो लाइफ होती है बेस्ट लाइफ स्कूल लाइफ में होती है। अदरवाइज़ भाई मतलब स्कूल से निकलते ही ऐर लगते हैं सबको, तगड़े वाले। कोई ऊपर चला जाता है तो कोई नीचे, और जो स्कूल में नीचे होता है वो जरूर ऊपर जाता है, और जो स्कूल में ऊपर होता है जरूर नीचे जाता है। ये कन्फर्म है। कुछ ही लोग होते हैं जो ऊपर के ऊपर चले जाते हैं, और कुछ होते हैं कि भैया पीछे पैसे से तगड़े होते हैं, तो कोई ऑलरेडी ऊपर ही होते हैं भाई। वही कहना है कि जब अपने जॉब इज अ सक्सेस, जॉब के पीछे मतलब भाई। खैर वही है कि लोगों की कंडीशन करके ऐसी होती है कि जॉब से ही कर चलते हैं, तो बात अलग है। मगर जॉब के साथ साथ कुछ अपना भी होना चाहिए। तो भाई दीप जा रहे हैं, कुछ बात हो के सब हटाते हैं, अपना ब्लॉग पर फोकस करते हैं। चलो तो भाई मीटिंग के लिए तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा। कितने इस बुक को पढ़ देते हैं, कितने की बुक है? तो भाई तो अच्छे के लिए कवर्स में इंटरैक्टिव इन इंडिया आउट ऑफ प्रोजेक्शन मेकिंग। सो इट्स अ टीम इन ऑफिस। तो भाई इसमें से मोस्टली सबको जानता हूँ और सारे मुझे जानते हैं। और एक बात पहले बताऊँ, ये मेरा पर्सनल ऑफिस नहीं है, एज अ वर्क आ जाता है कहीं कहीं से, तो वही ऑफिस का वर्क है बस। तो भाई आज मैं अपनी लाइफ स्टाइल शेयर कर रहा हूँ, तो एंकर हेटर्स कुछ ज़्यादा ना सोचें, कम दिल फूकें, कहीं अंदर ही अंदर ज़्यादा चल जाएँ। तो आइए किताब पढ़ते हैं। तो डिजिटल जर्नीस इंडियन रिलेटिंग इंट्रैक्शंस। भाई ये टीम लीडर हैं सारे, अलग अलग डिपार्टमेंट के सब प्रोजेक्शंस, इनका वर्क है ये। वर्चुअल रियलिटी
एक्चुअली यहाँ पे सबसे ज़्यादा VFX का काम हुआ है। ये बुक चल रही थी, VR का ज़्यादा काम है यहाँ पर, 360 डिग्री कैमरा। तो इस कंपनी के वर्क करती है BBC, गूगल, एपी, डेल, नेशनल ज्योग्राफी, मेरा काफ़ी बड़ी कंपनी की वर्किंग होती है यहाँ पर। और भैया सही है, और लोटा भर लाया है। अच्छी बहुत दिन में मिली है, लोंडा पूरा जग ही भर लाया है, पता कॉफी से कितना प्यार है लड़के को। भाई देसी है कॉफी, चल कुछ चाय पक पे लिया। भैया हम आ गए ऑफिस रूम, मीटिंग रूम में। मीटिंग रूम का भाई, मीटिंग रूम का नाम है मसूरी, मीटिंग रूम का नाम रखा मसूरी। ठंड बहुत नहीं है, बड़े बड़े क्या वाले रखे हुए हैं भाई, किसी को सुनने को ज़्यादा मिलती है, किसी को कम, किसी को हवा सी मिलती है, कोई आगे चले जाता है, कोई पीछे। लाल पान कॉफ़ी पे है, कॉफ़ी पीते हैं। जी मैम, ठीक है, तो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्लाइंट का फीडबैक है आप वो रिजॉल्व कर देना। अभी से कैंसिल चेंजेस के इंतजार कर रहा था बहुत दिनों से, कई दो बार मैंने कहा भी था वगैरह, भाई मैं डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ। मैं भी बहुत दिनों से लग रहा हूँ कि फाइनल हो। अरे मैं खुद फाइनल कर रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ इसके कंटेंट में। आप उन्होंने डाले हुए थे भाई ने, अभी बता रहे थे वो। अंकुश आप आ सकते हो ऊपर। और मैम लास्ट वाले एपिसोड में बहुत प्रॉब्लम थी, बड़ी मुश्किल से उसमें काम करा, मतलब हिंदी वाले ऑडियो में उसने एक या दो फ्रेम में जाकर मराठी बोल रही है वो। हाँ तो मैंने भाई से कही भाई बहुत प्रॉब्लम थी इसमें, बड़ी टेक, फिर मैंने एडजस्ट करा, मगर फिर मैंने वो स्किप छोड़ दिया फ्रेम। मैं क्या करता, मैं फ्रेम ही छोड़ दिया। नहीं फ्रेम तो एनिमेट हुआ पड़ा है, ऑडियो नहीं है। मुझे बताओ ना कि ऑडियो नहीं है। मैंने अजय वो अभिषेक को पूरा बताया था भाई हिंदी में, और मराठी में भी वो चीज़ कुछ और बोल रही है, और है कुछ और वहाँ पर। और एक बार वीडियो चलाना अपना। चलो नेक्स्ट टाइम मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले वो पूछना था ना कि वो मेल वेल जो था वो फॉर्म वॉर्म कहाँ मिलेंगे। तो हम चलते हैं, ओके बाय। अभी मीटिंग कर रहा हूँ, चलते हैं की तरफ ऑफिस को, करते हैं बाय। और ये फटेगा गेट, चलो हम कुछ खा पी करके चलेंगे, रेस्टोरेंट में चलेंगे कुछ खा पी करके। तो भाई यहाँ का हुआ काम ख़त्म, चलो आगे बढ़ते। भाई हम आ गए आइटम टावर के एक रेस्टोरेंट में, खाना वाना खाना है। भाई घर से बाहर निकलो और बिट्टू खाना ना खावे, फिर क्या बाहर का ही खाना खावा है यार। हाँ घूमो और पहले खाओ फिर बाद में। गिरानी रेस्टोरेंट काफ़ी नामी रेस्टोरेंट है, चलो चलते हैं। और भाई ये आइटम टावर में काफ़ी ऑफिस है और काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट है। तो भाई जो भी आए, और इधर की तरफ सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट है, तो गिरानी रेस्टोरेंट इधर ही होगा, पहले टूटना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं भी, देखते हैं। बस सुना ही सुना उसका नाम, आज इधर से यही खाते चलेंगे। चलो ये रानी रेस्टोरेंट, अब अंदर चलते हैं, तगड़ा खाना चल रहा है। तो महंगा दावत सी चल रही थी, है तो स्वैग ही अलग है। और भाई सब्जी वब्जी क्या है, चावल है, सब्जी है, ये दो तीन तरह की, ये पिट्टी की है और ये रायता है। और पैसे वैसे पूछते हैं पहले, क्या पैसे हैं भैया, क्या प्राइस है? 100 रुपये की प्लेट खरीद। भाई क्या क्या खाओगे?
गुल्ले चावल और ये तीन तरह की सब्जी और रायता। और क्या जरूरत होगी भाई साहब? रुमाली रोटियाँ और ऑर्डर तवा रोटियाँ और भाई 100 रुपये और ये भाई रेस्टोरेंट का मेरा। नमस्ते, क्या ऊपर खाएंगे? क्यों मामला भाई, बर्बर का पनीर लाया मैं तो 100 रुपये में क्या रहा प्लेट है? 100 रुपये और भाई 100 रुपये का फुल पेट खाना। जिसको आना है वो आयतम टावर और गिरानी रेस्टोरेंट। भाई मजा आ रहा, रोक ही देखो फोटो देख रहे हो तो भाई भीड़ बहुत लग रही है। तो ऊपर का फ्लोर है मजेदार खाना है। 100 रुपये ना पर कितना ही खाओ, सबसे बड़ी बात कितना ही खाओ कितना खा सकते हो। दो बार तीन बार रसगुल्ला रसगुल्ला ये मिलेगा क्योंकि यहाँ तो यूपी के रहते हैं तो रसगुल्ले पे टूटेंगे तब मजा। चलो तो खाने के बाद बात करते हैं भाई। और रायता रायता भी लो। अभी तो पनीर और तोड़ूंगा, सूखी सब्जी से एंड होगा। आलू की सब्जी है, पनीर है, दाल है, चावल है, रसगुल्ले है, रोटी है, सलाद है, रायता 100 रुपये में वाल लिया तुम। सोच रहा तीसरी बार जाने की। तीसरी बार पता है 30 रुपये का एक विजिट होता है इसका। बच्चे 60 हो गए, दो बार जाके एक बार और जाएगा तो 100 जाएगा। प्लेट हल्की दे रखी है इसलिए वजन कम लेना। हम तो दोबारा ले लेंगे, क्या होगा। हेलो, बड़ा टेस्टी भी है, स्वाद भी अच्छा है ना भाई। पैसा वसूल है 100 रुपये में भाई, रियल में क्या लजीजदार खाना है, मज़ा आ रहा है। इतना स्वादिष्ट खाना भाई 100 रुपये में भाई सही है, मज़ा बन गया। बस थोड़े रसगुल्ले उठ जाते दिलवा देते 100 रुपये में, कहीं किलोमीटर दिलवा देते 10 रुपये 10 रुपये खाते फिर। तो दोबारा चलेंगे लेने भी। भैया जिसके मुँह पानी आ रहा है कड़ी में लग रहा है कि बिट्टू मुझे भी देता। अगला काम करो, घर का खाना खाओ तुम तो, खास कर वो जो यूँ सोच रहे हैं बस हम भी जाते बिट्टू क्या उसी को लेगा बिट्टू ही अपने मज़े लेगा अपने के लिए भी। भाई मज़ा आ गया भाई, 90% बंदों में पानी आते हुए लो भाई। ऐसा दूर ना पनीर की सब्जी एक नंबर, एक नंबर रियल में मज़ा आता था, एक नंबर पनीर की सब्जी। और भाई हम निकल गए ग्रामीण रेस्टोरेंट, मज़ा आ गया खा के। 100 रुपये में क्या मिल रहा है आज के डेट में? 100 रुपये में, 100 रुपये में भाई साहब रसगुल्ला लाए यू लाए, अनलिमिटेड अनलिमिटेड खाना है। कोई भी आए भाई आइटम टावर रहे नोएडा सेक्टर 62 चौक के पास, और गिरानी रेस्टोरेंट का नाम है, कभी भी आए फुल खा के जाए। और ख़ासकर मेरे स्कूल के जो मोटे मोटे लोग हैं, मोटे मोटे पेट के, वो तो खास करना है, वरना वो तो भाई साहब यहाँ से पूरी कढ़ाई ले जाएंगे चाट के, क्योंकि उनकी हफ्सियत तो हमने स्कूल में देख ली थी। तो ठीक है भाई, ब्लॉग कर देखा था मतलब ब्लॉग हो जाएगा लंबा, तुमने देख ली भाई ऑफिशियल लाइफ स्टाइल और फूड ब्लॉगिंग भी। चलो चलते हैं भाई, ओके ब्लॉग मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।